एक गीत बजा। कौन सा? अरे तू लड़का छहल छबीला कैसे बैठो राजन ने कहा का है रिसीवर अभी हमारी पुत्रिया बहुत छोटी है और जब ये सयानी हो जाएंगी विवाह योग्य हो जाएंगे तो किसी एक पुत्री का आपके साथ विवाह करवा दिया जाए। अब जब इतनी बात सुनी अगस्त मुनि तपस्या करने चले गए और जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो इन्होंने सोचा कि लाओ फिर विवाह किया जाए। अच्छा। पहुंच गया राजा के पास, लेकिन तब तक राजा जी अपनी सभी पुत्रियों का विवाह कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा अगर हम विवाह नहीं करते हैं तो अगस्त ऋषि हमें शाप दे देंगे। तो मन में सोचने लगे क्या? और कहा कि क्या? हमने अपनी इतनी पुत्रियों की शादी की लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अरे नर से नारी की जोड़ी की जोड़ी जोड़ी है विधिवत जोड़ी नर से नारी की जोड़ी जोड़ी विधिवत है जोड़ी जोड़ी जाएगी जोड़ी जो जोड़ी है बेजोड़ी ये बेजोड़ी नर से नारी की जोड़ी जोड़ी विधिवत है जोड़ी जोड़ी जाएगी जो जोड़ी है बेजोड़ी। और मन में सोचा कि अब लड़कियां तो बची नहीं, पुत्रियां बची नहीं, अब एक हमारे पुत्र बचा है तो क्यों ना अपने पुत्र का विवाह अगस्त मुनि से करवा दिया जाए। तो सोचने लगे और नर से नर की जोड़ी से निदान हो जाएगा। नर से नर की जोड़ी से निदान हो जाएगा। कन्या दान नहीं पुत्र दान हो जाएगा।
किया, अपने पुत्र को पुत्री बना के अगस्त मुनि के साथ विवाह करवाया। क्या बात है। अब जैसे कन्यादान किया तो उस पुत्र की मुद्रा लोप हो गई, मतलब पुत्र से पुत्री बन गया, और जब मुद्रा लोप हो गई तो उसका नाम पड़ा लोपा मुद्रा। अगस्त की पत्नी का नाम है लोपा मुद्रा। तो अपना मैं मान गिराऊं, कहते मेरा मन मानी, अब मान जाए अपना करी जा मन मान जाए अपना करे जो मन मानी, मान जाए अपना करे जो मन मानी, मान जाए अपना करे जो मन मानी। और सोचने लगे कि बगैर पुत्र की अनुमति के तो ये हो नहीं सकता। चक्र समाप्त हुआ हो ही गया। बहुत सी बातें सुनी अभी तक, तो बेटा तुमको हमने कुछ कहा है नहीं, अब कहना भी नहीं है। लेकिन चुप रहा भी नहीं जा रहा। अब आपने बड़ी दीदी बनाया। दीदी चलिए कोई बात नहीं, वैसे हम आपकी दीदी है नहीं। कौन हो? सुरेंद्र बताओ। सुरेंद्र बेटा जानते हो, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो हमको बाबी माँ कहते हैं। बताओ हम तुम्हारी कहाँ से दीदी हैं? कहाँ से दीदी हैं बताओ? तो तुम बेटा पूत लगे। रिश्ता जानते हो? ऐसा रिश्ता ढूंढा जाता है। नहीं तो उन्होंने लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पूत कपूत सुने बहुतेरे। एक दो तो नारा नारा वो गार्ड से कूदेंगे यार देख। अब दीदी मत कहना। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे तो कभी मस्जिद बना बैठे। बेटा सुरेंद्र, सुरेंद्र तुमसे अच्छे तो परिंदों की जात है, तुमसे अच्छे तो परिंदों की जात है, अरे वो कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। ये है नाना वो घाट बेटा बीच में है। बता रहे कुछ नहीं कहेंगे। एक टुकड़ा दिया था मैंने, बहुत अच्छा आपने निभाया, बहुत सुंदर। अब थोड़ी थी तर्जे पकड़ा करो, थोड़ी मजबूत। अब तर्जे कोई पकड़े हो जो ना, माई उम्र नहीं है। हंसे माते पागली नहीं प्यार हो जाए। अब बेटा सही बताना, तुमको ये गाने हमारे मुझसे अच्छे लगे हैं? नहीं अच्छे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तरे थोड़ी पकड़ा करो।
ससुरा ओए लड़का छैल छबीला पक्ष दोनों बताए थे अब बताओ मैं मथुरा का राजा गोकुल की रानी नहीं मालूम रहा है अच्छा हमें मालूम है ना रहा है कोई मथुरा के राजा रहा है गोकुल की रानी रहा है हमें ना मालूम और क्या नाना वाव घाट पड़ी बीच में सांवरिया जी चलिए कोई बात नहीं बहुत बहुत सुंदर अच्छा प्रयास किया आपने गाने में लेखनी में इन्होंने नहीं प्रयास किया एक गीत आपका आया और एक गीत मैंने दिया था अब देखिए कहां चूक होती है कई मैंने पहले ही बताया था कि आपका उत्तर चरमरा रहा है आप मेरी बात को हल्के में लेकर के बोले गुड़िया भारती ने बहुत कुछ कहा नहीं बेटा कुछ भी नहीं कहा है और ना कहेंगे और जहां गलती होगी वहां जरूर टोक देंगे आपने मेरे गीत को ध्यान नहीं दिया ना आपने दिया और ना आपके राइटर साहब ने दिया दोनों चरमरा रहे हैं पंत मेरी कह रही थी सेवक स्वामी और सखा सेवक स्वामी सखा और तीनों अलग आपकी पंक्ति शिष्य सासे गुरु गासे गासे वही गए शुरू पिता पासे पासे भाई चू सब इसलिए कहा था चरमरा रहा है जो चरमरा दोनों लोग कोई बात नहीं हो जाती गलती हो जाती है नाना माओ घाट पड़ी बीच में देखे एक टुकड़ा है भैया बन जाए तो भी क्षमा करना और ना बने तो भी क्षमा करना कि मैं लड़का छैल छबीला तू लड़की नाक वाली मैं लड़का छैल छबीला तू लड़की नाक वाली मेरे आगे पीछे तू लगती है सोनाली मेरे आगे पीछे तू लगती है सोनाली तो चल हट कि चल हट जा रे कि चल हट जा रे अरे क्यों तू दिल लगाएगा कि चल हट जा रे अरे क्या तू दिल लगाएगा हसमत पागली हसमत पागली नहीं प्यार होएगा हसमत पागली अच्छा है अरे वो कुछ हो जाए प्यार भी कई प्रकार का होता है कई प्रकार के होते हैं कई प्रकार का होता है प्यार क्यों भाई सुरेंद्र होता है माँ बेटे से प्यार होता है और क्या वो सोच रहा है बहन भाई, भाई से प्यार होता है भैया भैया का प्यार होता है
देवर भौजाई से प्यार होता है। आओ क्या, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि मुस्तलिम शक्लें हैं औरत जात की, मुस्तलिम शक्लें हैं औरत जात की, ये फूल भी शोला भी है शबनम भी है, और इनको चाहे जिस नजर से देख लो, ये माँ भी है बेटी भी है बहन भी है बेगम भी है। क्या बात है, ये है सुरेंद्र, सुरेंद्र सोच रहा रात में नाना बाबू घाट पड़ेगा रास्ते टुकड़ा आया इधर से जाई कि नर से नर की जोड़ी का निदान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा हो वो हम लोगों ने पढ़ा हो, जो हम लोगों ने पढ़ा हो वो आपने पढ़ा हो, ये सब किताबें भैया लोगों ने पढ़ी हो। एक टुकड़ा आपने कथानक ढूंढा तो मैं ढूंढ लू, प्रयास किया तो मिला। एक व्यक्ति ऐसा हुआ, कौन नहीं हम नहीं कहते, जिसका नाम पड़ा शिखंडी, वो जन्म से ही लड़की था, राजा द्रुपद सोचने लगे क्योंकि वो धीरे धीरे सयानी भाई या सयाना हुआ। क्या बात, लड़की पैदा हुई और लड़के का शोर मच गया, लड़का हुआ कि लड़का हुआ, महाराज द्रुपद के यहां लड़का हुआ, उसको लड़के का ही चोला पहना दिया यानी कपड़े। अब धीरे धीरे बराबर हो गया, सयाना हो गया, शादी के काबिल हो गया। अब देखिए शादी की समस्या खड़ी हो गई, अब उसकी शादी हो रही है, सुनिएगा। जोड़ी जोड़ दी, अरे नारी से नारी जोड़ी जोड़ी न किसी ने जोड़ी, तोड़ी तोड़ी भरकर ही जोड़ी, तोड़ी भरकर ही जोड़ी, चम गई ये सभी को जोड़ी।
और कन्या हो के कन्या, कन्या हो करके कन्या दान लेके आएगा। कन्या हो के कन्या था।